अगर कोई सलमान खान शाहरुख खान को रिप्लेस कर सकता है तो वो है सुपरस्टार रणबीर कपूर। हाल ही में रणबीर कपूर की एनिमल मूवी ने एडल्ट सर्टिफिकेट पाने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पे मोर देन 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया है। नेटफ्लिक्स पे भी एनिमल मूवी ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा है और अच्छा व्यूअरशिप कमाया है। और क्या आप लोग को पता है रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवीज का लाइनअप क्या कमाल का है? और सब मूवीज आई स्वेयर गारंटी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होगा, गारंटी। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवीज के बारे में। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। नंबर वन पे है रामायण मूवी, जिसके डायरेक्टर है नितेश तिवारी और रणबीर कपूर इस मूवी में राम भगवान का रोल निभा रहे हैं और सीता माता के रोल में साई पल्लवी दिखाई देंगे और रॉकिंग स्टार यश रूमर्स के अनुसार रावण के रोल में दिखाई देंगे। नंबर टू लव एंड वार मूवी, ये मूवी हाल ही में अनाउंस हुआ था और इस मूवी के डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली और इस मूवी में रणबीर कपूर के साथ साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी लीड रोल में दिखाई देंगे। नंबर थ्री ब्रह्मास्त्र 2, हाईली एंटिसिपेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र की पार्ट 2 डेव में भी रणबीर कपूर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा और इस मूवी के डायरेक्टर है आयान मुखर्जी। नंबर फोर एनिमल पार्क मूवी, आफ्टर द ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल एनिमल मूवी इसका पार्ट 2 एनिमल पार्क भी जल्दी ही आएगा और डायरेक्टर संदीप रेड्डी भंगा के अनुसार ये मूवी एनिमल पार्ट 1 से भी बड़ा होगा। नंबर फाइव लाला अमरनाथ बायोपिक मूवी, ये भी हाल ही में अनाउंस हुआ था, लाला अमरनाथ की बायोपिक मूवी आ रही है और रूमर्स के अनुसार रणबीर कपूर इसके लीड रोल में दिखाई दे सकते हैं, जिसके डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी सर। नंबर सिक्स ब्रह्मास्त्र पार्ट 3, ये मूवी भी अनाउंस हो गया है और इस मूवी में भी रणबीर कपूर दिखाई देंगे, जिसके डायरेक्टर है ऑफकोर्स आयान मुखर्जी सर। तो गाइज यही थे रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवीज के लाइनअप के बारे में और आप कौन से मूवी के इंतजार में हो मुझे कमेंट पे जरूर बता देना और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल।